नमस्कार किसान दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश कुमार, स्वागत है आपका YouTube चैनल फार्मिंग वाला पे। तो दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि देसी मुर्गी पालन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 100 प्योर देसी मुर्गी फार्म करने में हमें कितना खर्च होगा और कितना मुनाफा होगा, इन सभी पर एक एक करके डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपको सही सी जानकारी मिल सके। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो दोस्तों, मुर्गी दो पर्पल्स के लिए पाले जाते हैं, अंडे के लिए या फिर मीट के लिए। आज हम आपको प्योर देसी मुर्गी के बारे में बताने वाले हैं जो कि मीट के लिए पाले जाते हैं। आप अंडे के लिए भी पाल सकते हैं, लेकिन अगर आप प्योर देसी मुर्गी को अंडे के लिए पालेंगे तो आपको घाटा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही कम अंडा देती है। और अगर आप मीट के पर्पस से देसी मुर्गी पालते हैं तो फिर ठीक है। तो दोस्तों, प्योर देसी मुर्गी की खासियत की बात करें तो दोस्तों, इसमें ह्यूमिडिटी पावर बहुत ही अच्छा होता है। हमारे भारत में जितने भी मुर्गी की प्रजातियाँ हैं उन सबसे अच्छा क्वालिटी का रोग प्रतिरोधक क्षमता इसी मुर्गी पे होता है। इसमें यही फायदा है कि इसमें बीमारी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है। तो दोस्तों, 100 प्योर देसी मुर्गी पालने के लिए सबसे पहले आपको सेड बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, देसी मुर्गी को रखने के लिए स्पेस की बात करें तो एक मुर्गी को लगभग 3 स्क्वायर फीट जगह की ज़रूरत होगी, यह मुर्गी के लिए सफिशियंट होता है। खासकर देसी मुर्गी के लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। और अगर आप फ्री रेंज में पालना चाहते हैं तो आप उसे 2 स्क्वायर फीट का जगह रख सकते हैं, क्योंकि फ्री रेंज में सिर्फ रात को फार्म में रखना पड़ता है और दिन में मुर्गी बाहर में घूमती है। और फ्री रेंज में आपका फीडिंग कॉस्ट भी कम होती है। तो शेड निर्माण में यह ध्यान रखना है कि सेट का दिशा पूरब से पश्चिम की ओर होना चाहिए ताकि सूरज का किरण सीधा आपके फार्म में ना पड़े और आपका फार्म में हवा आसानी से इधर से उधर आसपास हो सके। अगर आप सिर्फ फार्म में ही मुर्गी को रखकर पालना चाहते हैं तो स्पेस थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी कि 3 स्क्वायर फीट। यह आप 20x15 फीट या फिर 10x30 फीट का फार्म बना सकते हैं। और अगर आप फ्री रेंज में पालना चाहते हैं तो आप 2 स्क्वायर फीट की जगह की आवश्यकता होगी, यानी कि 100 मुर्गी के लिए आप 10x20 फीट भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्योर देसी मुर्गी की चूजा कहां से ले। हालांकि दोस्तों, देसी मुर्गी का चूजा मार्केट में या फिर हैचरी में मिलने की संभावना बहुत ही कम होती है। अगर कोई हैचरी में मिल गया तो फिर ठीक है, वरना आपको घर में ही चूजा मुर्गी से निकालना पड़ेगा। अगर आप गांव से हैं तो फिर आपको गांव में प्योर देसी मुर्गी मिल जाएगा, तो आपको मुर्गी खरीद कर ही चूजा निकालना पड़ेगा। देसी मुर्गी ना मिलने का सबसे बड़ा कारण दोस्तों यह है कि अंडा बहुत ही कम देती है। यह लगभग एक बार में 12 से 15 अंडे ही देती है। इसके बाद 1 से 2 महीने के बाद फिर 12 से 15 अंडा देती है। इसलिए दोस्तों, इसका चूजा हैचरी में नहीं मिलता है। अगर आपके पास प्योर देसी मुर्गी नहीं मिलती है तो आप सोनाली मुर्गी ले सकते हैं, यह बहुत ही आसानी से मिल जाती है। हम दोस्तों प्योर देसी मुर्गी के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दोस्तों, इसका मार्केट में बहुत ही अच्छा रेट मिलता है और इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। इसका डिमांड ज़्यादा होने का सबसे बड़ा कारण इसका मीट में बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्वों से भरा हुआ रहता है और यह काफ़ी स्वादिष्ट भी होता है, इसलिए इसका डिमांड ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, 100 देसी मुर्गी का फार्म का खर्च लगभग 10 से 25 हज़ार के बीच में आ सकता है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप फार्म कच्चा बनाना चाहते हैं या फिर पक्का बनाना चाहते हैं। कच्चा थोड़ा कम खर्च में होता है लेकिन कम समय के लिए चलेगा, और पक्का में थोड़ा ज़्यादा खर्च होगा लेकिन यह ज़्यादा दिनों तक चलेगा।
यह आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा घर है तो आप उसमें भी पाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ 100 मुर्गी पालने का खर्च और प्रॉफिट के बारे में सिर्फ बात करेंगे, फार्म के बारे में कोई और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले 100 प्योर देसी चूजा का खर्च की बात करें तो अगर एक चूजा 30 रुपया का होगा तो 100 चूजा का खर्च लगभग 3000 रुपया तक हो जाता है। अगर आप 3000 रुपया अगर आप घर में चूजा निकालेंगे तो कम में भी हो सकता है। यह हमने मैक्सिमम प्राइस लिया है तो चूजा का खर्च लगभग 3000 रुपया हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण फीडिंग कॉस्ट, यानी कि मुर्गी को चूजा से लेके बड़ा होने तक का फीडिंग कॉस्ट। तो दोस्तों, अगर आप सिर्फ मार्केट का फीड देकर बड़ा करना चाहते हैं तो एक मुर्गी छोटा से बड़ा होने तक 3.5 kg फीड खाती है। इसमें उसका वजन 1 kg 200 ग्राम से 1 kg 800 ग्राम तक हो जाता है। तो 1 kg फीड की प्राइस लगभग 30 रुपया होता है। तो 3.5 kg फीड का कॉस्ट लगभग 105 रुपया हो जाता है। और इसमें मेडिसिन का खर्च लगभग 4 से 6 रुपया होता है। अगर आप वैक्सीन और मल्टीविटामिन, एंटीबायोटिक इन सब का उपयोग करते हैं तो एक मुर्गी का फीडिंग और मेडिसिन का खर्च लगभग 110 रुपया हो जाता है। तो 100 मुर्गी का फीडिंग और मेडिसिन का खर्च लगभग 11000 रुपया हो जाता है। और अगर आप फ्री रेंज में पालते हैं तो यह खर्च आपका आधा हो जाएगा, लेकिन ग्रोथ थोड़ा धीरे धीरे होगा, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा खर्च हो सकता है, जैसे फार्म का खर्च, फीडर और ड्रिंकर का खर्च, इन सब पर खर्च हो सकता है। तो दोस्तों, टोटल कॉस्ट की बात करें तो दोस्तों, सबसे पहले चिक्स यानी कि चूजा का खर्च लगभग 3000 रुपया, और दूसरा नंबर पे फीडिंग और मेडिसिन का खर्च 11000 रुपया, और इलेक्ट्रिकल बिल का खर्च लगभग 400 रुपया हो जाता है, और एक्स्ट्रा घटी बढ़ी का खर्च मान लेते हैं कि 500 रुपया हुआ, तो टोटल कॉस्ट 14900 रुपया खर्च हुआ। यानी कि 100 देसी मुर्गी पालने में हमें 14900 रुपया खर्च हुआ। अब दोस्तों, हम 100 मुर्गी को बेचकर हमें कितना मुनाफा होगा या फिर प्रॉफिट होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारा मुर्गी का वज़न 1.5 kg एवरेज वज़न का होता है तो हमें कितना प्राइस मिलेगा? तो दोस्तों, प्योर देसी मुर्गी का प्राइस हमारा भारत में 300 से 500 रुपया केजी तक बिकता है। क्योंकि दोस्तों, यह प्योर देसी मुर्गी है इसलिए इसका रेट ज़्यादा होता है। हालांकि सभी जगह का रेट अलग अलग होता है। अगर हम मिनिमम प्राइस मान के चलते हैं कि अगर हमें 350 रुपया केजी मिलता है, तो अगर एक मुर्गी का वज़न लगभग 1.5 kg है तो 100 मुर्गी का वज़न 150 kg हो जाता है। तो 1 kg मुर्गी का प्राइस 350 रुपया है तो 150 kg का प्राइस लगभग 52500 रुपया हो जाता है। यानी कि 100 मुर्गी को बेचकर हमें 52500 रुपया मिलेगा। और इसमें अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 52500 में 14900 रुपया को घटा देते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट 37100 रुपया हो जाता है। तो दोस्तों, अगर हम 37100 रुपया में 7100 रुपया को कोई एक्स्ट्रा खर्च में छोड़ दें, फिर भी दोस्तों 30000 रुपया हमें प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, अगर आप प्योर देसी मुर्गी का फार्म करते हैं तो आप 100 मुर्गी पर 14900 रुपया खर्च करके आप 90 दिन में 37100 रुपया कमा सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ मैनेजमेंट पे थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा और आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी और मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में लिखें।
और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कोई और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।